तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अपनी खुद के फ़ोटो का प्रीसेट कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं अपनी फ़ोटो का खुद का प्रीसेट बनाना ताकि आप भी वन क्लिक में फ़ोटो एडिटिंग करना सीख पाएँ, तो हमारे इस वीडियो को फुल वॉच कर लेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने इस फ़ोटो का भी प्रीसेट बनाया है और जैसे वन क्लिक में हमने ये देखिए इस फ़ोटो पर अप्लाई किया है, तो ये देखिए दोस्तों कितनी ही प्यारी फ़ोटो लग रही है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं अपने फ़ोटो का प्रीसेट बनाना तो हमारे इस वीडियो को फुल वॉच करें, और दोस्तों यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, एडिटिंग स्टार्ट कर लेते हैं और मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। सो है गाइस, सिंपली आपको अपना लाइट रूम ऐप ओपन कर लेना होगा और अपनी फ़ोटो को दोस्तों लाइट रूम ऐप के अंदर ऐड कर लेंगे। तो आप जो भी फ़ोटो ऐड करना चाहते हैं और जो भी फ़ोटो को प्रीसेट बनाना चाहते हैं, आप उस फ़ोटो को ऐड कर लेंगे। तो दोस्तों, ये देखिए हमने एक फ़ोटो ऐड कर लिया। तो दोस्तों, पहले इस फ़ोटो की एडिटिंग करेंगे और फिर लास्ट में इस फ़ोटो का प्रीसेट बनाना बताएंगे। तो आप अपनी फ़ोटो का खुद का प्रीसेट बनाना चाहते हैं तो आप अपनी खुद की फ़ोटो ऐड करेंगे। तो जैसे आप फ़ोटो को ऐड कर लेंगे, आपके इधर साइड में कुछ इस तरह से एडिटिंग के ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। तो सिंपली दोस्तों, आपको एडिट का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको एडिट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना होगा। तो जैसे आप एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा दोस्तों। तो सिंपली आपको लाइट का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको लाइट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना होगा। और फिर आप लोगों को दोस्तों इसके कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू को कर लेना होगा -26, और इसकी हाईलाइट्स की वैल्यू को दोस्तों कर लेंगे +35, और फिर सिंपली आपको इसके शैडोज की वैल्यू को कर लेंगे +38, और फिर सिंपली आपको इसकी व्हाइट्स की वैल्यू को कर लेना होगा +38, और फिर ब्लैक्स की वैल्यू को दोस्तों कर लेंगे +43, और फिर सिंपली आपको लाइट के ऑप्शन को कर देना होगा डन। और प्यारे दोस्तों, आपको कलर टूल का ऑप्शन दिख रहा होगा, अब आपको कलर टूल के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना होगा। और जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो सिंपली आपको इसकी वाइब्रेंस की वैल्यू को दोस्तों कर लेना होगा +37, और फिर आपको इसमें कुछ नहीं करना, आपको ऊपर मिक्स टूल का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको मिक्स टूल के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना होगा। और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने बहुत सारे कलर टोन ओपन हो जाएंगे। तो सिंपली आपको ऑरेंज टोन को सेलेक्ट कर लेना होगा, और आपको इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को कर लेना होगा दोस्तों -23, और इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को कर देंगे +33, और फिर सिंपली आपको येलो टोन को सेलेक्ट कर लेना होगा, और आपको इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को कर लेना होगा दोस्तों -100, और आपको इसकी ह्यू की वैल्यू को भी कर लेना होगा -100, और इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को कर लेंगे -100, और फिर सिंपली आपको ग्रीन टोन को सेलेक्ट कर लेना होगा, और आपको भी इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को कर लेना होगा -100, और इसकी ह्यू की वैल्यू को करेंगे -100, और दोस्तों इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को कर लेंगे -100, और फिर सिंपली एक्वा ब्लू टोन को सेलेक्ट कर लेंगे और इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को कर लेंगे -100, और इसकी भी ह्यू की वैल्यू को दोस्तों करेंगे -100, और फिर सिंपली आपको डार्क ब्लू टोन का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक कर लेना होगा, और आपको इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को कर लेना होगा -100, और फिर सिंपली आपको ऊपर डन का ऑप्शन दिख रहा होगा। प्यारे दोस्तों, आपको डन के ऑप्शन पे क्लिक करके कलर टूल के ऑप्शन को भी कर देना होगा डन, और फिर आपको दोस्तों इफेक्ट्स के ऑप्शन पर आ जाना है, आपको इफेक्ट्स का ऑप्शन दिख रहा होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो सिंपली आपको इसकी क्लियरिटी की वैल्यू को कर लेना होगा +35, और इसकी डीएच की वैल्यू को दोस्तों कर लेंगे +40, और फिर सिंपली आपको इसकी टेक्सचर की वैल्यू को कर लेना होगा -34, और फिर सिंपली आपको विग्नेट का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको विग्नेट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना होगा, और आपको इसकी विग्नेट की अमाउंट की वैल्यू को कर लेना होगा दोस्तों -100, और फिर सिंपली आपको इसकी मिड पॉइंट की वैल्यू को कर लेंगे +24, और इसकी फीदर की वैल्यू को दोस्तों कर लेंगे +80, और फिर सिंपली आपको इसके इफेक्ट्स के ऑप्शन को भी कर देना होगा डन। और प्यारे दोस्तों, आपको डिटेल का ऑप्शन दिख रहा होगा, अब आपको डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना होगा। तो दोस्तों, वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखते रहना है, जैसे हमारी फ़ोटो दोस्तों लास्ट में एडिट हो जाएगी, हम आपको लास्ट में फ़ोटो का प्रीसेट बनाना सिखा देंगे। तो सिंपली आपको नॉइज का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको नॉइज के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना होगा, और आपको नॉइज रिडक्शन की वैल्यू को कर लेना होगा दोस्तों +42, और इसके कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू को कर लेंगे +19, और फिर सिंपली कलर नॉइज का ऑप्शन दिख रहा होगा दोस्तों, आपको कलर नॉइज के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना होगा,
और आपको कलर नॉइज रिडक्शन की वैल्यू को कर लेना होगा दोस्तों +37 और फिर सिंपली आपको डिटेल के ऑप्शन को भी कर देंगे डन। तो ये देखिए दोस्तों हमारी बिफोर फोटो कैसी थी और एडिट होके आफ्टर कुछ इस तरह से हो चुकी है। तो हमारी फ़ोटो दोस्तों परफेक्ट रूप से एडिट हो चुकी है। तो दोस्तों आप ध्यान से देखना, अब हम इस फोटो का प्रीसेट बनाने वाले हैं। तो आपको दोस्तों ऊपर शेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको शेयर के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना होगा और जैसे आप शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपको शो कॉपी टू डिवाइस का ऑप्शन दिखेगा, शेयर का ऑप्शन दिखेगा और दोस्तों शेयर का ऑप्शन दिखेगा और फिर आपको एक्सपोर्ट एस का ऑप्शन दिखेगा और जैसे आप एक्सपोर्ट एस का ऑप्शन दिखे आपको उस पर क्लिक कर लेना होगा और जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो सिंपली आपको दोस्तों फाइल टाइप का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक कर लेना होगा और ये देखिए हमारे में DNG लिखा है, आप लोगों में कुछ भी लिखा हो सकता है जैसे JPG, AVIF, DNG, TIF, ओरिजिनल। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली DNG के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है और DNG के ऑप्शन पे क्लिक करके दोस्तों आपको ऊपर अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना होगा। अभी दोस्तों जैसे ही सेव हो जाएगी तो ये हमारी फ़ोटो जो है प्रीसेट के रूप में सेव हुई है। अभी दोस्तों एक काम कैसे करता है हम आप लोगों को वो भी दिखाएंगे। तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको बैक के ऑप्शन पे आ जाना है और अपनी गैलरी से एक नॉर्मल फ़ोटो को ऐड कर लेना है। ये देखिए दोस्तों हमारी ये नॉर्मल फ़ोटो है, ये देखिए हमने ये फ़ोटो ऐड कर ली है। तो अभी देखना दोस्तों जो भी हमने फ़ोटो एडिट करी थी प्रीसेट के रूप में ये देखिए। तो दोस्तों इसकी सारी सेटिंग है जो 3 डॉट के ऑप्शन पे क्लिक करके कर लेंगे कॉपी। ये दोस्तों कॉपी सेटिंग का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, आपको कॉपी सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करके दोस्तों ये अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करके इसकी सारी सेटिंग को कॉपी कर लेंगे और फिर सिंपली अभी जो हमने नॉर्मल फ़ोटो ऐड करी है आपको एक बार फिर से 3 डॉट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना होगा और इस पर क्लिक करते ही दोस्तों आपको पेस्ट सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा, आपको फ़ोटो को पेस्ट सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करके कर देना होगा डन। ये देखिए दोस्तों हमारा प्रीसेट काम भी कर रहा है। तो हमारी फ़ोटो ये देखिए दोस्तों कुछ इस तरह से हो चुकी है 1 क्लिक में। तो अगर आप भी अपनी 1 क्लिक में फ़ोटो कुछ इस तरह से एडिट करना चाहते हैं तो दोस्तों अपने फ़ोटो का पहले प्रीसेट बना लेंगे। तो हमारी वीडियो दोस्तों परफेक्ट रूप से कंप्लीट हो चुकी है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।